हाय स्टूडेंट, तो अभी का जो सेशन है योजना से रिलेटेड क्लास चल रही है। आपके लिए हम इतना मेहनत से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और सिलेक्टेड है। हाँ, ये सभी केंद्र सरकार की योजना है। पहले बात समझ लो, दो तरह की सरकार है, एक केंद्र और एक राज्य। तो अभी जो योजना हम बता रहे हैं आपको, वो सभी क्या है, केंद्र सरकार वाला है जी। तो चर्चा करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए, कितना से वर्ष बताए, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वर्ष 2022-2023 में किस योजना की शुरुआत किया गया। 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, याद रखिएगा, है ना, न्यू इंडिया, क्या बताए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जी। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जी। कितने करोड़ बताएं, 5 करोड़ व्यक्तियों को क्या बनाना, पढ़ा लिखा बनाना है जी, जो वर्तमान में पढ़ने में या लिखने में क्या है, असमर्थ हैं। कितने करोड़ बताएं, 5 करोड़ बताएं जी। योजना का नाम क्या है, न्यू इंडिया, क्या बताएं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए है जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। कितने करोड़ के लिए, 5 करोड़ बच्चों को जी। हाल ही में, याद रखिएगा, सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए, अभी हम आपको बताए थे कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, जो गिर जाता है, गिरिराज सिंह ने अभियान शुरू किया संगठन से समृद्धि, क्या बताएं, संगठन से समृद्धि, याद रखिएगा मेरे बच्चों, संगठन से समृद्धि जो योजना है, ये महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए किया गया है जी। और याद रखिएगा बच्चों, हाल ही में भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, हाँ, भारत की शिक्षा को और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, क्या बताएं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है, तो रिच आउट योजना, क्या बताएंगे, रिच आउट योजना, रिच आउट योजना। याद रखिएगा, भारत में शिक्षा और उनके अनुसंधान की जो संस्थाएं हैं उनको गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सा मंत्रालय बताएं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या बताएं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, याद रखिएगा, रिच आउट योजना की शुरुआत किया। हम जान लेते हैं बच्चों कि रिच आउट योजना क्या है, या रिच क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा दे देगा कि रिच आउट का तात्पर्य क्या है, तो रिच मतलब हो जाएगा जो रिसर्च एडुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच जी। और चर्चा का जो विषय है, जान लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय, क्या बताएं, हाल ही में वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित, क्या बताएं, कोरोना से प्रभावित, कोविड-19 से प्रभावित, याद रखिएगा, सूक्ष्म और लघु माध्यमों उद्यमों को सहायता प्रदान के लिए वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत किया। लघु उद्योग मतलब छोटी छोटी उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री जी। तो विवाद से विश्वास वन, क्या बताएं, विवाद से विश्वास वन योजना जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर, देखिए कर्नाटक के मैसूर, मैसूर मतलब क्या, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कि शेर ए मैसूर की उपाधि किसे दिया गया था, तो टीपू सुल्तान को दिया गया था, क्या पता है, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है जी। तो केंद्र सरकार ने 2023 में एक योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी, क्या क्या नाम बताए, कर्नाटक के दो स्थान का नाम बता रहे हैं, मैसूर और हम्पी को स्थान को विकास के लिए चुना है, किसके किसके, मैसूर और हम्पी के विकास के लिए चुना गया है, उस योजना का नाम है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना
क्या बताया मेरे बच्चों? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। हाँ, और याद रखिएगा, हाल ही में तुर्की में 2023 में तुर्की और सीरिया, क्या बताया दोनों देश, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन को शुरुआत किया? याद रखिएगा, हाल ही 2023 में मेरे बच्चों तुर्की और सीरिया में क्या आया था? तो भूकंप आया था। कमेंट में ज़रूर बताना क्या कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। हाँ, भूकंप को किससे मापा जाता है उस स्केल के नाम जी। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त, क्या नाम बताएं? ऑपरेशन दोस्त जी। तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी हुआ, जो भूकंप आया, तो भारत के लोग वहां पर जो पीड़ित थे उसे बचाने के लिए भारत की जो सरकार है, याद रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत किया जी। और याद रखिएगा, हाल ही में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, क्या बताएं, रेबीज के है ना रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया? तो पहले जान लेते हैं कि रेबीज क्या है। रेबीज याद रखिए, जंतुओं से होने वाली बीमारी, लार से, जैसे कुत्ता बिल्ली होता है ना। हाँ, कमेंट में ये आप बताओगे कि रेबीज की खोज किसने किया था, किसकी खोज, रेबीज की टीका की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज का जो नियंत्रण करेगा उस कार्यक्रम का नाम क्या है? NRCP। क्या बताएं मेरे बच्चों? NRCP जी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, क्या बताएं? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। हाँ, और कमेंट में आप जरूर बताना कि रेबीज की टीका की खोज किसने किया था और कब, क्या बताएं कि रेबीज की टीका की खोज किसने और कब किया था जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत किया? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। क्या बताएं? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। हाँ, अभी ट्रेन की बात आ रही है ना, तो एक ट्रेन अभी भारत झारखंड में जो चला अभी हाल ही में, कौन सा, वंदे भारत जी। वंदे भारत कोडरमा पटना हजारीबाग में रुकले गया। हाँ, चर्चा करेंगे वंदे भारत के बारे में हम, कि वंदे भारत को लाने में या चलाने का मकसद क्या है जी। याद रखिएगा, हाल ही में स्कूलों को विकसित तथा उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना की शुरुआत किया? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, पीएम श्री स्कूल योजना। क्या बताया? पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री का मतलब क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जी। ये सभी जो बातें थी, ये सभी जो योजनाएँ थे, ये केंद्र सरकार की योजना आपको बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, है ना, अपना प्यार बना के रखें। जय हिंद, थैंक यू।